हेलो छात्रों, स्वागत है आपका आरकेएम क्लासेस में। मैं आपका ज्योग्राफी टीचर शाही सर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास हमारी 12th ज्योग्राफी बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 विश्व जनसंख्या का टॉपिक चल रहा है, और पिछली चार क्लासेस में हमने इस चैप्टर को कम्प्लीटली खत्म कर लिया है। ठीक है जी, तो आइए कंटिन्यू करते हैं आगे इस चैप्टर को। तो हमने इसको मोस्ट ऑफ खत्म कर ही लिया है, और आज जो हमारे पास आ रहा है चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और क्वेश्चन का नाम है हमारे पास जनानकीय संक्रमण का सिद्धांत। जनानकीय संक्रमण, इसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। और जब भी हम कोई पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे डेमोग्राफी कहा जाता है। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज होना। तो जनरली इस सिद्धांत का प्रयोग किस लिए किया जाता है भाई? तो इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है कि कोई भी जो क्षेत्र होता है वो पहले से क्या होता है, गांव या शहर? गांव ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो जब कोई भी हमारे पास कोई भी जगह गांव से कन्वर्ट होकर शहर में बदलती है तो वहां पर जनसंख्या में बहुत प्रकार का परिवर्तन आता है। जनसंख्या की विशेषताएं बदलती है, जन्म दर में परिवर्तन आता है, मृत्यु दर में परिवर्तन आता है। तो बस उसी की ये भविष्यवाणी का सिद्धांत है कि ये सिद्धांत इसीलिए प्रयोग किया जाता है कि हम पहले से ही पता लगा लेते हैं, पूर्व अनुमान लगा लेते हैं, प्रिडिक्शन लगा लेते हैं कि किसी भी एरिया के अंदर स्थान में आने वाले टाइम पर क्या पॉपुलेशन होने वाली है और क्या क्या विशेषताएं रहेंगी। तो सबसे पहली बात, इसे कहेंगे क्या, तो इस सिद्धांत का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है किसी क्षेत्र की जनसंख्या, या जनसंख्या नहीं बोलेंगे, किसी क्षेत्र की भविष्य की जनसंख्या, किसी क्षेत्र की भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान। पूर्वानुमान का मतलब होता है पहले से ही पता लगाना। पूर्वानुमान लगाना या लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस सिद्धांत का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं, प्रयोग किया जाता है। तो इस सिद्धांत को जनरली हम इसीलिए प्रयोग करते हैं कि हम पहले ही पता लगा लेते हैं कि आने वाले टाइम पर वहां की जनसंख्या कैसी होगी। अब कोई भी जो क्षेत्र है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कोई एक गांव है, कोई एक ग्रामीण क्षेत्र है। अब आपको भी पता है ग्रामीण क्षेत्र का अगर विकास होगा तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा तो वो कन्वर्ट होगा एक शहर में, एक नगर बनेगा। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो ऑब्वियस सी बात है सर, वो गांव है, वहां मोस्ट ऑफ लोग क्या कर रहे होंगे, खेती में बिजी होंगे, तो खेतीयर होंगे। बहुत सारे लोग यहां पर क्या होंगे, अशिक्षित होंगे, अनपढ़ होते हैं बहुत सारे लोग, सुविधाएं कम है। लेकिन जब वो कन्वर्ट होगा शहर के अंदर तो नगर से, पहली बात, मतलब वो गांव से क्या बन जाएगा, शहर बन जाएगा। जो हमारे लोग पैसा कमा रहे होंगे खेतीबाड़ी करके, अब वो पैसा कौन से क्षेत्र में कमाएंगे, औद्योगिक क्षेत्र में लगे होंगे। अगला, अब वहां पर लोग अनपढ़ थे तो यहाँ लोग पढ़े लिखे, मतलब यहाँ की जनसंख्या कैसी हो जाएगी, शिक्षित हो जाएगी। तो कुल मिलाकर इसी जो परिवर्तन को हमारे यहाँ पर जनानकीय संक्रमण कहा जाता है। लेकिन ये जो परिवर्तन है, ये गांव से शहर बनने के बीच में जो परिवर्तन आ रहा है, ये परिवर्तन किसके साथ आता है? तो ये सारा का सारा हमारे पास जनानकीय संक्रमण में, ये पूरा का पूरा जो हमारे पास परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन अपने साथ क्या लेके आता है? तो ये परिवर्तन अपने साथ लेके आता है उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर, उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर, निम्न जन्म दर तथा निम्नी क्या हो जाएगी हमारे पास, मृत्यु दर, तथा निम्नी हो जाएगी हमारे पास कौन सी दर, मृत्यु दर। तो ये जितना भी हमारे पास चेंज आता है गांव से शहर आने में, ये अपने साथ उच्च जन्म दर से
उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न क्या लाता है मृत्यु दर। अब ये जो परिवर्तन आता है ये परिवर्तन कैसा आता है, तो ये परिवर्तन आता है अवस्थाओं में। ये परिवर्तन भाई हमारे पास अवस्थाओं में आता है, और ये परिवर्तन कितनी अवस्थाओं में आता है, तो सर ये परिवर्तन आता है कुल मिलाकर 3 अवस्थाओं में। ठीक है, ये 3 अवस्थाएं दुनिया में कहीं ना कहीं लगी रहती है, और इन तीनों अवस्थाओं को कुल मिलाकर हमारे यहां क्या कहा जाता है, तो कुल मिलाकर इन तीनों अवस्थाओं को कहा जाता है जननकीय चक्र। तो इन अवस्थाओं को ओवरऑल कहा जाता है कौन सा चक्र, जननकीय चक्र। डेमोग्राफी क्या बोल देते हैं इसको हमारे यहां, साइकिल बोल देते हैं, जननकीय चक्र। समझ आ गई। अब हमें ये तीनों अवस्थाएं पढ़नी है कि तीनों अवस्थाओं में क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली अवस्था की। तो हमारे पास पॉइंट आता है प्रथम अवस्था। क्या होती है सर प्रथम अवस्था? इमेजिन करिए कि पहली अवस्था में क्या होगा, कोई एकदम एडवांस तो होगा नहीं, आज दिल्ली में बैठे पड़े हैं, ये थोड़ा ही दिल्ली में एकदम इतनी सारी एडवांस सिटी आ गई, नहीं। सबसे पहले कोई भी जो जगह होती है वो क्या होती है, गांव होती है। गांव में कुछ भी नहीं होता, आपको भी पता है कैसा हाल होता है। तो हमें यहां पर जननकीय संक्रमण के अकॉर्डिंग बात करनी है। तो सबसे पहली बात, यहां पर प्रथम अवस्था में हमें क्या देखने को मिलती है, उच्च जन्म दर, ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, और साथ के साथ ही उच्च क्या देखने को मिलती है, मृत्यु दर, मरते भी लोग ज्यादा हैं। अब पैदा भी ज्यादा हो रहा है, मर भी ज्यादा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसका मतलब क्या हो रहा होगा, यहां जनसंख्या वृद्धि धीमी है। तो आप बोलोगे धीमी जनसंख्या वृद्धि, बहुत धीरे धीरे बढ़ती है यहां पर, धीमी जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास पहली अवस्था में देशों में होता क्या है, महामारियां होती है, और महामारियां तथा उसके साथ साथ खाना नहीं मिलता लोगों को, तो अनिश्चित अकाल वगैरह होते हैं, अकाल वगैरह पड़ा होता है, अनिश्चित भोजन आपूर्ति होती है। तो महामारी और अनिश्चित भोजन आपूर्ति के कारण होता क्या है, तो इसके कारण हमारे पास मृत्यु होती है, कारण उच्च मृत्यु होती है। अब जब लोग इतने मर रहे हैं, तो लोग अब मर रहे हैं, तो इनकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी, क्षतिपूर्ति का मतलब कंपनसेट कैसे करेंगे। जब हम इस अवस्था में होते हैं तो यहां मोस्ट ऑफ लोग खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, और खेती बाड़ी किसके लिए करते हैं, निर्वाह के लिए। निर्वाह का मतलब जानते हो, अपना पेट पालने के लिए, अपने खुद खाने के लिए करते हैं। अब ऐसे टाइम पर बाहर से लेबर तो बुलाऊंगा नहीं, तो घर के बंदे ही काम करेंगे। अब जब घर के बंदे ही काम करेंगे, तो ऐसे टाइम पर फैमिली में लोग होना भी बहुत जरूरी है। अब जब लोग होना बहुत जरूरी है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर बच्चों का होना बहुत, बच्चे पैदा करना बहुत क्या है, जरूरी है। तो यहां पर लोग भैया मृत्यु की क्षतिपूर्ति कैसे करते हैं, और बच्चे पैदा करके। तो मृत्यु की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन द्वारा की जाती है। पुनरुत्पादन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, पुनरुत्पादन द्वारा की जाती है। ठीक है भाई, यहां पर लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, तो खेती बोल दो या तो कृषि बोल दो, खेती या कृषि क्या है, मुख्य व्यवसाय। अब पहले के टाइम पर आपने देखा होगा कि जो हमारे दादा परदादा से पूछो भैया, या दादा से अगर जिंदा है पूछो कितने भाई बहन थे, तो बोलेंगे 6, 7, 8, 10, कुछ काम नहीं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। नहीं, पहले के टाइम पर क्या होता, जितना बड़ा परिवार होता उतना ही उसपे उत्पादन ज्यादा होता था, और जिसमें उत्पादन ज्यादा है इसका मतलब उसमें संपत्ति भी क्या है, ज्यादा। तो यहाँ पर भाई खेती बाड़ी करने के लिए बड़ी फैमिली चाहिए थी, इसलिए बड़े परिवारों को संपत्ति माना जाता, तो बड़े परिवार संपत्ति होते हैं, संपत्ति का मतलब वेल्थ। ठीक है, इस अवस्था के अंदर निम्न प्रौद्योगिकी होती है, निम्न प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का लेवल बहुत कम होता है, निरक्षर जनसंख्या होती है, अनपढ़ लोग होते हैं, निरक्षर जनसंख्या होती है। ठीक है, और यहां पर एक बात याद रखना कि आज से लगभग 200 साल पहले, ये नोट करने वाली बात है कि 200 वर्ष पूर्व सभी देश इसी अवस्था में थे। ठीक है भाई, तो 200 वर्ष पूर्व सभी देश इसी
अवस्था में थे। समझ आई मेरी बात यहां तक? क्या हुआ? एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल कौन सा है इसका। तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, उदाहरण बताइए सर कौन कौन से देश है इसके अंदर। तो एक तो अपना पड़ोसी है, तो अपना पड़ोसी है बांग्लादेश, और दूसरा है वर्षा वनों की जनजातियां, रेन फॉरेस्ट होते हैं ना, वर्षा वनों के आदिवासी कह दो, या जनजातियां भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो ये हो गई हमारी कौन सी अवस्था, अवस्था नंबर एक। समझ आई अवस्था नंबर एक? तो अवस्था नंबर एक पहली है। अब अगली आती है हमारे पास अवस्था नंबर दो। अब अवस्था नंबर जो दो आती है इसमें हम सुधार करते हैं, तो यहां आती है द्वितीय अवस्था, यह आती है द्वितीय अवस्था। अब द्वितीय अवस्था क्या कहती है? तो अब प्रथम अवस्था में हम पहले ही इतनी ज्यादा जनसंख्या हमारी क्या हो रखी थी, मर रही थी, ज्यादा पैदा हो रहे थे, तो महामारियों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाते हैं। जैसे कोविड के बाद क्या हुआ है, हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ी है, वैक्सीनेशन लगी है। तो ऐसे ही इस अवस्था में होता क्या है, इस अवस्था के अंदर शुरुआत में जन्म दर उच्च होती है पर समय के साथ घटती है। तो शुरुआत में उच्च जन्म दर होती है परंतु समय के साथ घटती है, समय के साथ क्या हो रही है भैया, ये घट रही है समय के साथ। ठीक है जी, ये समय के साथ क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। अब अगली बात, इसमें जनसंख्या वो क्या कहते हैं हमारे पास जो मृत्यु दर है उसमें क्या आती है, तो मृत्यु दर में गिरावट आती है, कम नहीं होती, गिरावट, स्लोप नीचे जाएगा, मृत्यु दर में गिरावट। अगला, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा, क्योंकि महामारियां रखी थी पहली अवस्था में, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। देश के अंदर क्या लेके आएंगे, स्वच्छता लेके आएंगे, और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि होगी, क्योंकि लोग मरना कम है और पैदा ज्यादा हो रहे हैं, या तीव्र जनसंख्या वृद्धि कुछ भी कह सकते हो, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि होगी। क्लियर हो गया यहां तक बात? अब बात यह आई सर जी, उदाहरण बताओ, उदाहरण मेन है, तो इसमें मैं तुम्हें एक चीज सिखाऊंगा। तो अगर बात करूं मेरे भाई यहां पर उदाहरण की, तो उदाहरण में आप पहला तो लिख लो यहां पर पेरू, और अगला लिख लो श्रीलंका। ठीक है, अब हमारे पास यहां नोट करने वाली बात यह है कि अपना प्यारा जो भारत है वो भी इसी अवस्था में है। ठीक है, तो हमारा जो भारत देश है वो भारत भी इसी अवस्था में है। और भारत इस अवस्था में कब हुआ था, तो भारत ने इस अवस्था में जो प्रवेश किया था वो प्रवेश किया था 1921 में, और इस 1921 को ही हमारे यहां नाम दिया जाता है महान विभाजन वर्ष। कुछ बच्चे गलत समझ लेते हैं कि ग्रेट डिवाइड ईयर का मतलब वो ईयर होता है जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुए थे, नहीं, डेमोग्राफिकली बात करी जाती है तो ग्रेट डिवाइड ईयर उस ईयर को कहा जाता है जब इंडिया जनान के संक्रमण की प्रथम अवस्था से कौन सी अवस्था में पहुंच गया था, द्वितीय अवस्था में, कुछ छूटा तो नहीं। ठीक है भाई, हाँ ये दूसरी अवस्था में इतने फीचर नहीं है, बहुत कम फीचर है। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात अगर हम करें तो अगला आता है हमारे पास अवस्था तीन, तृतीय अवस्था आती है। तो चलिए बात करते हैं तृतीय अवस्था की। तो क्या कहती है तृतीय अवस्था, जरा समझना। अब तृतीय अवस्था में सब बिल्कुल शहर बन जाएगा। अब शहर बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर क्या देखने को मिलेगा, निम्न जन्म दर देखने को मिलेगा, निम्न जन्म दर, और साथ के साथ क्या देखने को मिलेगा, निम्न मृत्यु दर। अब लोग पैदा भी अगर कम हो रहे हैं, मर भी कम रहे हैं, तो मंद या तो बिल्कुल कम या तो स्थिर जनसंख्या वृद्धि होगी, स्थिर जनसंख्या वृद्धि।
ठीक है, यहां पर जो जनसंख्या होगी वो उच्च होगी, उच्च प्रौद्योगिकी वाली होगी, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा होगा, उच्च प्रौद्योगिकी होगी, साक्षर होंगे सारे के सारे लोग, साक्षर जनसंख्या, पढ़े लिखे लोग होंगे। अगला, साथ के साथ यहां पर हमारे पास एक और चीज होगी, क्या बोलते हैं, साक्षर जनसंख्या के साथ नगरीय जनसंख्या होगी। जब लोग पढ़े लिखे होते हैं तो वो परिवार नियोजन से चलते हैं, तो यहां पर लोग क्या करेंगे, परिवार नियोजन करेंगे। परिवार नियोजन जानते हो ना, सोच समझ के बच्चे पैदा करना, समझ गए, जज्बातों से नहीं, बातों को समझ के बच्चे पैदा करना, ठीक है भाई। तो हमारे पास परिवार नियोजन करना, अब कहने का मतलब है कि इस वाली अवस्था के अंदर ये पूरा का पूरा एडवांस हो जाते हैं, नगर बन जाता है। तो सर इसका उदाहरण क्या बनेगा, तो भाई इसके उदाहरण की बात करें तो हमारे पास इसका जो उदाहरण आता है वो उदाहरण आता है, एक तो जापान आता है, कनाडा आता है, और अगला आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारे पास ओवरऑल कहलाती है क्या भैया, जनानकीय संक्रमण कहलाते हैं, ठीक है भाई। तो ये तीन अवस्थाएं होती है, पहली, दूसरी और तीसरी। अब टीचर कभी कभार इनमें क्या पूछता है, आपको एक डायग्राम दे देगा और तीन नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। अब वो डायग्राम कौन सा होगा, ये वाला, देखो भाई। अब यहां पर आपको ये डायग्राम दिख रहा है, तो टीचर आपको ऐसे डायग्राम बनाकर दे देगा और टीचर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा भाई इसके अंदर के पहली अवस्था दूसरी अवस्था। अब आपको यहां दिख रहा है कि पहली अवस्था में जो हमारा जन्म दर है, बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी क्या है, हाई है। लेकिन अगली अवस्था में देखो, जब दूसरी अवस्था में आ गए हम, तो दूसरी अवस्था में बर्थ रेट स्टार्टिंग में तो ऊपर है, लेकिन डेथ रेट क्या होता जा रहा है, कंटिन्यूअसली गिरता जा रहा है मृत्यु दर। लेकिन जन्म दर शुरुआत में उच्च है, लेकिन समय के साथ क्या हो रही है, घट रही है। और जन्म और मृत्यु की वजह से जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है उसे हमारे यहाँ प्राकृतिक वृद्धि का नाम दिया जाता है, ठीक है। तीसरी अवस्था में क्या होता है, जन्म दर भी निम्न हो गई और मृत्यु दर भी हमारे पास क्या हो गई, निम्न हो गई, ठीक है भाई। तो जन्म दर भी निम्न हो गई और मृत्यु दर भी क्या हो गई, निम्न हो गई, समझ गए भाई हमारे पास। तो ये हमारे पास आता है, कोई डाउट, कोई परेशानी, तो ये आपको इमेज याद रखनी है, तीन मार्क्स के अंदर आ जाती है ये, क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसका छोटा सा एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है। तो लास्ट क्वेश्चन कहता है भाई मुझे कि हमारे पास जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बताओ। अब जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या है, कैसे रोके जनसंख्या को। तो जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि भैया बच्चे पैदा करने ही कम कर दो, नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल करना। अब जनसंख्या नियंत्रण कैसे की जाएगी, सोचने वाली बात है, तो नहीं कर सकते भैया बैटरी खत्म कर दें, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो जनसंख्या नियंत्रण का सबसे अच्छा तरीका होता है हमारे पास परिवार नियोजन करना, वन ऑफ द बेस्ट वे परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। अब परिवार नियोजन क्या होता है सर, भाई परिवार नियोजन का मतलब होता है, सबसे पहली बात परिवार नियोजन का मतलब सीखेंगे आज। परिवार नियोजन का पहला मतलब होता है बच्चों के जन्म में अंतराल, कि जो आप बच्चे, ये नहीं है कि भैया एक डिलीवरी हुई और फिर दोबारा अगली तैयार 10 महीने बाद। बच्चों के जो जन्म है उनमें क्या होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए। तो परिवार नियोजन का सबसे पहला मतलब यही है कि बच्चों के जन्म में अंतराल, 3 से 5 साल का गैप होना चाहिए। अगला, जन्मों में नियंत्रण, कंट्रोल करेंगे हम बच्चे पैदा करने से थोड़ा, ठीक है। इससे और क्या होगा फायदा, महिला स्वास्थ्य बेहतर होगा, क्योंकि बच्चा पैदा तो उन्हें ही करना है, ठीक है। तो महिलाओं का बेहतर स्वास्थ्य होगा इससे, ठीक है। ये मेन हमारे पास होता है परिवार नियोजन। अब इसके अलावा कुछ और तरीके आते हैं जनसंख्या को नियंत्रण करने के, जैसे भैया हम क्या कर सकते हैं, जागरूक कर दो लोगों को। जागरूक जानते हो कैसे होते हैं, छोटा परिवार, सुखी परिवार, 2 बच्चे, मीठी की रुस, ज्यादा बवासीर, ऐसे हो जाता है ना बना हुआ। अगली बात, हम क्या कर सकते हैं, गर्भ निरोधक की सुविधाएं दे सकते हैं, ठीक है।
गर्भ निरोधक की सुविधाएं जिसमें पिल्स वगैरह आती हैं और अलग मेथड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है इसमें गर्भ निरोध, अरे गंदे आदमी हो भाई कसम से, ठीक है भाई। और क्या हो सकता है, और क्या कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। हाँ अगला, बड़े परिवारों पर क्या लगा सकते हैं कर, जैसे यूपी में कर रखा है 3 ज्यादा बच्चे तो कोई फैसिलिटी नहीं, तो बड़े परिवारों पर कर लगा दो। छोटे परिवारों को क्या दे दो, सब्सिडी। छोटे परिवारों को आर्थिक सहायता, ठीक है भैया। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं, समझ गए भाई। लेकिन वही बात है, कर ही सकते हैं बस, वो तो नहीं रहा ना। सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है, जनसंख्या ही तो है मेनली। तो ये हमारे पास भाई चैप्टर था, चैप्टर नंबर क्या है हमारा, ये सेकंड, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास चैप्टर था, चैप्टर नंबर सेकंड, जो बच्चे इसे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, क्लियर भाई। तो इसकी अगर पूरे की पूरी पीडीएफ चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या कहीं पर ही मैसेज कर देना, भेज दूंगा इसको। और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 4 के साथ आपके, ठीक है। तब तक जय हिंद एंड जय जियो।